हेलो दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में डू यू टेक योर बॉटल वाटर बॉटल टू स्कूल एवरी डे। तो कैपेसिटी मतलब किसी चीज़ का कितना अंदर में भरने का कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटी वॉल्यूम ऑलमोस्ट एक ही है। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन लीटर्स, ठीक है। इसको लीटर्स में मेज़र किया जाता है, ना कि केजी में। वैसे केजी में जनरली बोल तो देते हैं, लेकिन केजी सिर्फ पानी के लिए ही बोलना सही होता है, क्योंकि दोनों लीटर और केजी दोनों पानी में बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। खैर, यहाँ पे अभी जो हमें पढ़ना है ये लीटर्स। द बॉटल ऑफ पेप्सी, टोमेटो केचप, मिल्क बॉटल, स्क्वैश जूस, मिल्क ऑयल, फ्रूटी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ इट्स ओन। अपना अपना ही इसका कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी ऑफ अ वेसल टेल्स अस हाउ मच इट कैन कंटेन। कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो बर्तन कितना कंटेन कर सकता है। जैसे ये जग 6 कप्स के बराबर चाय, पानी, दूध कुछ भी कंटेन कर सकता है। बिगर कंटेनर होल्ड मोर, जो बड़ा कंटेनर होगा वो ज़्यादा कंटेन कर पाएगा। एंड द जग होल्ड 6 कप्स ऑफ वाटर, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द जग इज 6 कप। इसका जो कैपेसिटी है वो 6 कप्स, ओके। तो ये मैंने कुछ कर दिया है सॉल्यूशन, लाइक ये 5 कप है तो ये 5 कप, ये 2 ग्लासेस है तो 2 ग्लासेस। बहुत ही आसान टॉपिक, ये भी पिछले वाले टॉपिक के जैसा। जैसे देखिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर। तो कैपेसिटी ऑफ 1 केटल 4 कप्स, ओके। कैपेसिटी ऑफ 1 पॉट 3 केटल्स। स्टैंडर्ड यूनिट इसमें भी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि 3 केटल के बराबर है, 2 कप के बराबर है। मेरा जो जग है वो 3 कप के बराबर है, तो आपके फ्रेंड का जो जग होगा वो 4 कप के बराबर होगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो यू मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर्स। अब अगर आपका जग 4 लीटर के बराबर है, आपके फ्रेंड का जग 3 लीटर के बराबर है, सो यू कैन ईजली से कि आपका जग बड़ा है, इसलिए लीटर में कंपेयर किया जाता है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स एंड हाफ लीटर इज इक्वल्स टू 500 ml। ये वाला आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 ml, ml मतलब मिली लीटर, ठीक है। मेडिसिन ड्रॉपर होल्ड्स अबाउट 1 ml, ये आपको अंदाज रखना है कि ये मेडिसिन ड्रॉपर 1 ml के आसपास रखता है। टी स्पून चम्मच जो है 5 ml के आसपास, अब छोटा बड़ा में डिपेंड करेगा ये। एक ग्लास में लगभग 250 ml आता है, वाटर बॉटल लगभग 1000 ml आता है। तो ये आपको देखकर याद रखना है कि किसमें कितना आ सकता है। सो आपको ये कैपेसिटी के बारे में आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। ये बहुत इजी था, मैंने कहा आपको कि ये इजी चैप्टर था। टू मेजर वेट ऑफ अ चाइल्ड, आपको ये वाला वेट करना है। टू टेक ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के ड्रॉप लेने के लिए ये वाला यूज़ करना है। टू मेज़र अ लाइन स्केल, टू मेज़र शू लेंथ ये वाला, टू मेज़र योर वेस्ट इंच टेप, टू मेज़र पेट्रोल ये वाला केन, एंड टू मेज़र मिल्क ये वाला, टू मेज़र वेट ऑफ वेजिटेबल्स ये मेजरिंग पेन, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हमारा क्लास होगा ज्योमेट्री का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।